मोशन इन वर्टिकल सर्कल में कहाँ तक पढ़ाया था ये जरा बता देना प्लीज। अच्छा अच्छा ओके। देखिए बेटा, कल यहाँ तक हमने पढ़ा था। देखिए प्लीज, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर कोई धागे से बॉडी बांध दो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बताइए लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितना दें जिससे कि सर्कल कंप्लीट होगा। मिनिमम रूट फाइव जी एल, और रूट फाइव जी एल वेलोसिटी देंगे आप तो यहाँ से स्पीड घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो स्पीड कितना होगा? रूट जी एल। अच्छा बताइए, जब हम रूट फाइव जी एल की स्पीड देते हैं तो टेंशन कितना होता है? 6 mg। टेंशन डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था बेटा। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है जहाँ पे थ्रेड हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये ए है, ये बी है, मान लीजिए इसको सी बोल रहे हैं। अगर मुझसे कहेगा कि जब यहाँ पर थ्रेड हॉरिजॉन्टल होता है तो इस समय ये जो बॉडी होगी इसकी स्पीड कितनी होगी, तो कल मैंने बताया था आपको, रुकिए, कल मैंने आपको बताया था बेटा, अगर एक पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम है और दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए होता है तो हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं। मैंने बोला था दो ही कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं इसके पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। तो मैं यहाँ पर एट पॉइंट सी, अगर मेरे को कहा जाएगा कि सर आई एट पॉइंट सी जरा वेलोसिटी बताइए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी मैं इक्वेट करूँगा। अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड कितना बेटा? रूट फाइव जी एल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5 gL, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, है ना, क्योंकि हाइट हम यहीं से मेजर कर रहे हैं। अब सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर स्पीड लेट अस सपोज वी सी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और हाइट कितना होगा, रस्सी का लेंथ एल है, थ्रेड का लेंथ एल है, तो एम जी एल होगा। अब यहाँ पर एम से एम कैंसिल आउट, इसमें काम करते हैं टू डिवाइड और टू मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 5 gL है, यहाँ लेके आएंगे 2 gL, इधर माइनस में आएगा, तो 5 gL में से 2 gL जाएगा तो कितना होगा, 3 gL बराबर वी सी स्क्वायर, तो हमारे पास वी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 gL। यानी कि जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा तो वहाँ पर जो बॉडी में स्पीड होगी रूट 3 gL, जब आप रूट 5 gL मिनिमम वेलोसिटी देते हैं जिससे ठीक सर्कल कंप्लीट होता है, तो यहाँ रूट 3 gL होगा। अगर मेरे से यहाँ पर टेंशन पूछा जाएगा कि टेंशन बताइए, तो हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एम जी इन डाउनवर्ड, और टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है क्योंकि ये टेंजेंट डायरेक्शन में, तो सेंट्रिपिटल में तो इसे शामिल करेंगे नहीं, यहाँ टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, तो टेंशन यहाँ पर सेंट्रिपिटल हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी सी स्क्वायर का वैल्यू होगा 3 gL अपॉन आर की जगह एल, तो टेंशन हो जाएगा 3 mg। यानी बेटा बहुत साफ साफ अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रूट 5 gL देंगे मिनिमम वेलोसिटी जिससे ठीक सर्कल कंप्लीट होगा, यहाँ टेंशन 6 mg, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर पहुँचेंगे, ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, यहाँ पे होगा रूट 3 gL और टेंशन होगा 3 mg, जैसे इसे और ऊपर जाएंगे टेंशन यहाँ 0 हो जाएगा और स्पीड होगी रूट जी एल। इस तरह से फिर जब इधर नीचे उतरेगा तो फिर यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर वेलोसिटी, फिर वही रूट 3 gL होगा, टेंशन उतना ही 3 mg होगा, यहाँ से आएगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा रूट 5 gL, फिर ऊपर चढ़ेगा रूट 5 gL से घटता 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 रूट जी एल। ठीक है, लिखिए जरा प्लीज। कल बहुत लोग छुट्टियां मना रहे थे ना, संडे इज द होली डे, है मूवी अच्छी नहीं थी यार,
जिसके लिए मैंने सोचा था कि वो अपना स्टंट दिखाएगा और गजब कराटे स्टाइल होता है ना उसका मारपीट, वो डरा हुआ है उसमें, तो मारपीट है नहीं, डरा हुआ है उसमें तो। अरे मैंने कहा ज़बरदस्ती, मैं पिछले 20-25 दिनों से उसने मेरे दिमाग में जो असर दिखाया है। हाँ एक सेकंड, जरा ये समझा लूँ, फिर दिल्ली पुलिस हाजिर है। हो गया बेटा, मिटा दें। तो हम मिटा रहे हैं, तो हम देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए, अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। देखिए बेटा, जैसे ये वर्टिकल सर्कल है, अब आप ये समझ चुके हैं, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना। अब आप समझ चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर रूट 5GL की स्पीड देते हैं तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेगा, है ना। रूट 5GL से कम देंगे सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये जो वर्टिकल सर्कल है इसमें मैंने स्पीड रूट 5GL से ज़्यादा दिया, आप बोलेंगे रूट 5GL से ज़्यादा स्पीड दिया, जैसे रूट 7GL, रूट 6GL, इतना मतलब स्पीड रूट 5GL से ज़्यादा रखेंगे तो हम बोलेंगे बहुत आराम से सर्कुलर मोशन करेगा, पूरे एक वर्टिकल सर्कल में कंप्लीट घूमेगा। और इसमें तो मज़े की बात है कि कहीं भी टेंशन जीरो ही नहीं होगा। हाँ ऊपर जैसे जैसे ऊपर बॉडी जाएगा रस्सी का टेंशन धीरे धीरे घटेगा 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 घटेगा, मिनिमम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा कभी, है ना। यहाँ पर रूट 5GL देते हैं तो टेंशन घटते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होता है, लेकिन रूट जीएल की स्पीड होती है और एमजी नीचे की ओर सेंट्रीपिटल बिल्कुल बैलेंस रहता है तो सर्कल छोड़ता नहीं, बिल्कुल घूम के ऐसे आता है। तो ठीक है भाई, इन दोनों में एक बात फैक्ट है बेटा, यहाँ पर जो टेंशन है वो 6MG होता है और यहाँ पर जो टेंशन है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो जीरो होता है। तो अगर आपसे कहे मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होता है तो हम बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट पर, और मिनिमम टेंशन कहाँ पर होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर जो है टेंशन मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर टेंशन ज़ीरो नहीं होगा बल्कि टेंशन की कोई मिनिमम वैल्यू होगी। मज़े की बात है बेटा कि इसमें टेंशन का मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ भी बनेगा। जैसे यहाँ देखिए मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है वो आप देखिए, मैक्सिमम टेंशन होता है लोएस्ट पॉइंट पर तो 6MG और मिनिमम टेंशन है जीरो, तो डिफरेंस इज 6MG। मज़े की बात है कि यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम का टेंशन जो डिफरेंस आएगा वो 6MG आएगा। देखिए अगर स्पीड मैंने वी दिया तो यहाँ पर टेंशन निकालते हैं तो MG नीचे की ओर होगा, वी स्पीड है इधर घूम रहा है तो सेंटर की तरफ वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, आइए डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूगल से बना दें MV² / R, डायरेक्ट बाहर की तरफ ले लें, हम जानते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से वे होता है, तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है जितना फोर्स अंदर उतना ही फोर्स बाहर, सेंट्रीफ्यूगल लेंगे तो बॉडी को रेस्ट में मानते हैं,
तो जितना फोर्स अंदर उतना ही फोर्स बाहर। ये जो है टी मैक्स की वैल्यू डायरेक्ट समझ में आ रही है कि होगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मेरे को यहाँ पर टेंशन बतानी है, तो टेंशन बताने के लिए बेटा यहाँ पर का स्पीड चाहिए, क्योंकि एम जी तो नीचे लग रहा है ना, सेंटर की तरफ दो दो फोर्सेज लग रहे हैं, मिनिमम टेंशन भी और एम जी भी। अब यहाँ पर हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल के लिए स्पीड चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्पीड कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर ये बी पॉइंट मानूंगा और ये ए पॉइंट मानूंगा, और मैं बोलूँगा बेटा यहाँ पे स्पीड है वी और यहाँ पे स्पीड निकालनी है। तो अगर मैं देखिए, दो ही कंसेप्ट मैंने बताया था, मोशन इन वर्टिकल सर्कल का पूरी कहानी दो ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना कब है ये मैंने बोला हुआ है, अगर एक पॉइंट पर वेलोसिटी पता हो और दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को लगाते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ए पर मैकेनिकल एनर्जी, तो देखिए स्पीड बी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहीं से हाइट ले रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा बी पर वी हैव काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू टू एल होएगा। सोच के देखो, एल प्लस एल टोटल हाइट कितनी होगी, टू एल, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, और आप जानते हो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टू से टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर, देखिए वी बी स्क्वायर ये वी स्क्वायर ये, और ये माइनस फोर जी एल होगा। अब आप सोच के देखो, ये होगा टू टू या फोर जी एल, इधर आएगा माइनस में, तो मुझे यहाँ पर वी बी सॉल्व हो गया है। अब मैं यहाँ पर का टेंशन सॉल्व करना चाहता हूँ, दोनों का सम क्या एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, है ना, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो टी मिनिमम प्लस एम जी बराबर होगा एम वी बी स्क्वायर बाई आर, आर का मतलब एल, तो टी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी, टी मिनिमम हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, बोलो क्लियर। अब मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, तो देखते हैं क्या आता है। तो इसमें से एम जी में से ये एम जी माइनस एम जी को नहीं लिख देता हूँ, वरना अभी के अभी जान दे देंगे, बोलेंगे सर दिस इज रेडिकुलस, एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तसल्ली से, माइनस ऑफ द माइनस एम जी क्या प्लस एम जी हो जाएगा, अरे बोलो दिमाग लगाओ, एम जी प्लस एम जी कितना होगा 2mg, और अब मैं एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करूंगा, ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लो फिर बात करते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं, जिससे आप हमेशा ये फैक्ट याद रखें, अगर वर्टिकल सर्कल में कंप्लीट कर रहा पूरा सर्कल तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है और इक्वल टू 6mg होता है। हम लोग को दिख रहा है,
आराम से। बेटा शांत, बेटा हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आराम से, क्या बोला? यहाँ क्यों आए फिर? नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई के अलावा सब मोह माया है, कहने का मतलब ये था। आप तो उसमें इसको भी शामिल कर लिए, ऐसा नहीं था कहने का मतलब मेरा। कल मुझे किशनवीर ने मनोज के खिलाफ भड़काने की कोशिश करी थी, बहुत बेकार है ना। मेरे को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था वो, तो अच्छा हुआ मैंने इसका दाव पेच समझ लिया। अरे खाना खाने टाइम पे आया था मनोज तुम्हारे से। देखिए, अच्छा बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं बोलना चाहता हूँ ये डिफरेंस देखते हैं 6 mg आता है कि नहीं आता है, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम। देखिए mg प्लस mg इज द 2 mg। अरे यार बोलो, सही लिख रहा हूँ ना? अच्छा ध्यान देना, सुनो भाई सुनो। अच्छा बेटा इधर देख लो पहले, बाद में फिर लिख लेना, आप ही के लिए है। अच्छा m बाई l कॉमन है इन दोनों में, m बाई l कॉमन ले लो। चलो अब यहाँ पे ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर बचेगा। वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितना, वी स्क्वायर माइनस 4gl। अब आगे माइनस लगा है तो माइनस वी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखो जो मैं कह रहा था सही कह रहा था कि गलत कह रहा था, सही कह रहा था 6 mg आएगा। अगर आप दिमाग लगाओ, l से l कटेगा, 4 mg प्लस 2 mg 6 mg। अब तुम्हें क्या याद रखना बेटा, कभी भी कोई बॉडी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस 6 mg होगा, चाहे स्पीड कोई भी हो। बस ध्यान रखना है सर्कल शुड कंप्लीट, सर्कल अगर कंप्लीट कर गया तो डिफरेंस तो 6 mg होके रहेगा। ये बात याद रखोगे कि सर्कल अगर कर रहा है कि कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, तो बोलना भैया कुछ भी हो 6 mg तो डिफरेंस होके रहेगा, 6 mg तो डिफरेंस होके रहेगा। The difference between maximum and minimum tension will be 6 mg when body completes vertical circle, when body कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। ये लाइन याद रखिएगा बेटा, कभी भी क्वेश्चन आए बस ये लाइन याद रहेगा, तुरंत आपको 6 mg समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पीड चाहे कुछ भी हो, बस सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो बस 6 mg टेंशन का डिफरेंस बोलना है। ठीक, मिटा दे, जरा जल्दी लिख लो भाई प्लीज। बातें नहीं सब व्यर्थ है, बातें नहीं सब। हाँ देखो, देखिए देखिए बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए प्लीज। अरे ध्यान से अब यहां पर बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा। अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो कि ये कोई थ्रेड से बॉडी को बांधा नहीं गया है, इट इज़ अ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक,
इट इज अ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इट इज अ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। मान लीजिए बेटा ये एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है। अब यहां पर बेटा ये जो है ट्रैक है और यहां पर ये बॉडी, जैसे ये ऐसे करके आप कभी सर्कल देखने जाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल वाला ऐसे करके गाड़ी चलाता है, वो एक जाल होता है गोल सा, गाड़ी चलाता है ऐसे करके ना, आप देखे होंगे मेले वाले में गए होंगे। अच्छा तुम लोग मेला कहाँ जाते हो, तुम लोग तो मॉल जाते हो, मेला मॉल में बदल गया, तुम लोग तो आँख खोले और मॉल ही देखे बस, ठीक है। खैर खैर बेटा, बहुत आप छोटे हैं आपको नहीं पता है, पहले मेला लगता था और मेला वाला में सर्कस, मेला लगता है अच्छा, और सर्कस भी लगता था, ठीक है। खैर मुंडी पर करो, ए मुंडी पर करो, तो सर्कस लगता था तो उसमें हमने कई बार देखा है इसको। खैर देखिए भाई ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बेटा ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पर आपसे कहेगा कि धक्का देना है जिससे कि सर्कुलर मोशन करे, तो यहाँ पर बेटा ऑब्वियस ही बात है, जैसे वहाँ धागा बांध करके बॉडी को घुमाया जाता था वर्टिकल सर्कल में, यहाँ पर धागे का जो टेंशन होता था वो सेंट्रीपिटल में अपना एक रोल प्ले करता था, सेंटर की तरफ लगता था। तो दरअसल यहाँ पर तो धागा है नहीं, ये तो ट्रैक है, यहाँ बॉडी को रख दिए, तो यहाँ पर जो ट्रैक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो धागे में टेंशन की तरह जैसे काम था वैसे यहाँ पर इसका काम है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर बेटा ये बॉडी ऐसे करके हमें धक्का देना है जिससे कि ठीक सर्कल कंप्लीट कर सके, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर द मिनिमम वेलोसिटी विल बी रूट फाइव जी एल होता था, एल यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो जाएगा, जो रेडियस होता है वहाँ पर लेंथ ऑफ द थ्रेड था। बोलो आराम से समझ में आ रहा है ना, तो रूट फाइव जी आर, तो देखिएगा प्लीज़ मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो रूट फाइव जी आर आप मिनिमम स्पीड देंगे तो ऊपर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन सबको पता चल रहा कि यहाँ 6 mg होगा, अगर रूट फाइव जी आर देंगे तो 6 mg होगा, रूट फाइव जी आर से ज़्यादा देंगे तो 6 mg नहीं होगा, वो 6 mg से ज़्यादा हो जाएगा। 6 mg तो तब होता है जब रूट फाइव जी आर की वेलोसिटी दोगे आप, ज़्यादा दोगे तो क्या यहाँ 6 mg रहेगा, अरे नहीं सर नॉर्मल रिएक्शन और भी ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, जब बॉडी यहाँ पर पहुँचेगा तो रूट थ्री जी आर हो जाएगा, आर मतलब एल की जगह आर समझ रहे हैं हम लोग, और ट्रैक का नॉर्मल रिएक्शन होगा 3 mg, फिर उसके बाद और ऊपर चलेगा ऊपर चलेगा, बिल्कुल यहाँ पहुँचेगा तो नॉर्मल रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली 0, और यहाँ पर ये जो है यहाँ स्पीड होगी रूट जी एल, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर एल की जगह आर समझेंगे, यहाँ बॉडी गिर नहीं पाएगा क्योंकि मोशन की वजह से आगे जाएगा, यहाँ पर ये मोशन इसलिए कर रहा है सर्कुलर मोशन क्योंकि एम जी लग रहा है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है, या यूं समझिए एम जी जो है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है जिसलिए घूम रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है नॉर्मल जिनों से सीधा सिर पे गिरेगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्पीड है, ये इधर जाएगा ऐसे करके फिर ऐसे आएगा, ठीक है। अब जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे आया कि इंक्लाइंड प्लेन आगे जा करके ये सर्कुलर ट्रैक में बदल गया, अब क्वेश्चन कहेगा, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, अब क्वेश्चन कहेगा कि एक ब्लॉक को हम यहाँ से छोड़ें, कहेगा कितने मिनिमम हाइट से छोड़ें ताकि यहाँ से फिसलेगा 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 यहाँ पहुँचेगा और यहाँ के बाद एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा, मिनिमम हाइट सो दैट, मिनिमम हाइट सो दैट बॉडी कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, मिनिमम हाइट सो दैट बॉडी कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, बॉडी कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल। अब यहां पर बेटा कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, तो यहां पर हम बोलेंगे सर यही केस है बिल्कुल, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल यानी सर्कुलर ट्रैक है, पूरा घूमना है एक कंप्लीट में, तो मिनिमम हाइट, उससे और कम हाइट पर छोड़ोगे तो सर्कल पूरा नहीं घूम पाएगा, सर्कल पूरा घुमाना है तो मिनिमम हाइट कितने से छोड़ें, तो हम बोलेंगे सर देखो यहां से जब तुम छोड़ोगे ये फिसलेगा, ये ट्रैक स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ ट्रैक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ऐसे चलते चलते जब यहाँ पहुँचेगा तो सर स्पीड शुड बी रूट फाइव जी आर होना चाहिए, किसी को भी समझ में आ रहा है कि सर कम से कम तो रूट फाइव जी आर रखो स्पीड, रूट फाइव जी आर से कम रखोगे तो यहाँ पर सर्कल पूरा घूम ही नहीं पाएगा, तो इतनी हाइट से छोड़ो ताकि जब नीचे आए तो रूट फाइव जी आर की स्पीड हो तो पूरा सर्कल कंप्लीट करे, तो यहाँ से यहाँ तक हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करेंगे, यहाँ छोड़ रहे हैं तो वेलोसिटी 0,
तो यहाँ पर की मैकेनिक एनर्जी लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से हाइट मेजर कर रहे हैं तो हाइट कितनी है एच मिनिमम, तो एम जी एच मिनिमम इक्वल टू, और जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो हाइट हो गया जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो मिनिमम हाइट इज़ 5R/2, यानी आप इतनी हाइट से ग्राउंड से इतनी हाइट पर इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को छोड़ोगे ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। आई बात समझ में, लिखो। आराम से बेटा, क्लास में बैठे हो तो लिख ही लिया करो यार, क्या फायदा। मिटा दिया जाए, इधर मिटाऊं इधर, देखो देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे मिटा रहे हैं, हाँ दे दो जान, दे दो जान, दे दो। ये तो मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल समझ में नहीं आ रहा होगा। कल जो आराम से एकदम बिल्कुल रजाई में 12 बजे तक जो सोए हुए थे ना, उनको उनके लिए भारी पड़ रहा होगा। देखिए देखिए बेटा, इधर 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 देखिए, मान लीजिए ये हेमी स्फेयर है, मान लीजिए बेटा ये हेमी स्फेयर है, स्मूथ सरफेस है, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, सब छोड़ दीजिए। यहाँ पर बेटा ये स्मूथ सरफेस है इस पे, और एक ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा गया, अब देखो बेटा एकदम छोड़ा गया, या यूं समझो हल्का सा पुश करके छोड़ दिया गया ताकि इसे नीचे फिसलने लगे, ऐसे करके फिसलते फिसलते फिसलते, तो बेटा ये ऐसे चिपक करके नीचे तक नहीं आएगा, बल्कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक तो ये चलेगा, उसके बाद यहाँ से ये हवा में आके फिर नीचे ज़मीन पर गिरेगा। तो कह रहा है कि जहाँ पर ये ट्रैक को छोड़ेगा, ऐसे देखिए हेमिस्फेरिकल सरफेस है, समझ में आ रही मेरी बात, कटोरा उल्टा कर दो ना, कटोरा हेमिस्फेरिकल बाउल है उसको उल्टा कर दो, और उस पर एक बॉडी जो उसका हल्का सा पुश, मतलब इतना ही श्योर रहना कि कोई वेलोसिटी नहीं देनी, हल्की सी या बॉडी को पकड़ के थोड़ा सा आगे ढलान पर, हल्का सा ढलान पर इधर लाके छोड़ दो, वो अपने आप फिसलने लगेगा, कहेगा भाई कितने एंगल या कितने डिस्टेंस चलने के बाद ये जो है सर्कल को छोड़ देगा।
ये सरफेस से को छोड़ के हवा में आएगा, फिर जमीन पर गिरेगा। तो ये क्या है? हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल, मुंडी ऊपर रख के। अब यहां सुनिए ध्यान से, अब ये सवाल अगर ऐसा आता है तो कैसे बनाएंगे बेटा। देखिए मैं बार बार बोल चुका हूं, दो ही कंसेप्ट पे सवाल बनेगा। एक बनेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। बात खत्म। अब देखिए ये बाउल का सेंटर है, स्फेयर का सेंटर है, यहां से बॉडी चलेगा फिसलते 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 फिसलते, देर इज सम स्पीड, देर इज सम स्पीड। जब ये सरफेस को छोड़ेगा तो वहां नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा भाई, जब छोड़ेगा तो नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, उसके बाद हवा में आ गया। जब तक इस ट्रैक पर है, जब तक इस बाउल के सरफेस पर है, नॉर्मल एक्शन लगेगा, छोड़ने समय यहाँ नॉर्मल जीरो, फिर हवा में आ गया। अब यहाँ पर बेटा मान लीजिए कि ये थीटा एंगल यहाँ पर घुमा, वर्टिकल से थीटा एंगल पर यहाँ पर जो है सरफेस को छोड़ रहा है। अब पहले फोर्सेस दिखाओ, या चाहो तो पहले एनर्जी कंजर्व कर लो ताकि स्पीड निकाल सकें। ए और बी, ए और बी दो पॉइंट है, ए पर तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ से छोड़ा है मैंने तो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना, एनर्जी पहले कंजर्व कर लो। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट बी। अब चलिए ए पर मैकेनिकल एनर्जी, हाइट आप यहाँ से मेजर कर लीजिए, तो ये आर इज द हाइट, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, तो रेडियस हाइट के बराबर हो गया। काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच की जगह आर। अब बी, बी पॉइंट पर तो स्पीड वी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच। अब एच की वैल्यू हाइट, ये लिखना है ना, ये थीटा है, ये आर है, ध्यान दीजिए, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा नहीं होगा, ये आर है। अब मैं बार बार बोल चुका बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अगर बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस मालूम है तो परपेंडिकुलर साइन में आएगा, और ये किस में आएगा, कॉस में आएगा, बेस इज द कॉस थीटा। तो हाइट की जगह आर कॉस थीटा लिख दूँ, दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से देखिए, एम दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, और इसको उठा के इधर लाइए तो जी आर ब्रैकेट में, क्योंकि जी आर उधर भी है, वन माइनस कॉस थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई टू। तो देखिए टू उठा के इधर लाएंगे तो वी स्क्वायर बराबर होगा टू जी आर ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए भाई स्पीड तो निकाल लिया, अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब मैं दूसरा कंसेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए एम जी नीचे लगेगा, अरे ये सुबह सुबह, अरे मैं नहा के आ रहा हूँ बैल पुती। नॉर्मल जीरो, एम जी नीचे, एम जी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट टेंजेंट। मैंने कई बार बताया है फोर्सेस को रेडियस के लॉन्ग और रेडियस के परपेंडिकुलर तोड़ने को बताया है। सेंटर ये है पूरा, ये सर्कल का सेंटर कहाँ पर पड़ेगा बेटा? ऊपर, ऊपर पड़ेगा और क्या? ए, अच्छा ओ इज द सेंटर, चलो इतना तो है खोपड़ी। अब एम जी नीचे लग रहा है तो एम जी क्या रेडियस के लॉन्ग नहीं है? रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है? देखो रेडियस ये नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा जहां पर है वहां पर तो रेडियस ये है, तो यहां पर रेडियस के एक लॉन्ग और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक है? जिधर एंगल उधर क्या लगाते हैं, और दूसरी तरफ तो एम जी कॉस थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या यही सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा? क्योंकि नॉर्मल तो जीरो हो गया। जस्ट उसी वक्त एम जी कॉस थीटा केवल सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, और एम जी कॉस थीटा इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। कृपया ध्यान से सुने, एम सेम कैंसिल, आर जी कॉस थीटा बराबर, और वी स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में दिखाई दे रहा है ये वैल्यू, ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, टू जी आर ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा। तो जी से जी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ब्रैकेट खोलें, टू वन जा टू माइनस टू कॉस थीटा, क्या टू कॉस थीटा माइनस से इधर आएगा प्लस में,
कॉस थीटा में 2 कॉस थीटा ऐड होगा तो कितना होगा, 3 कॉस थीटा बराबर 2। तो पहली बात तो यह काफ़ी फेमस है, बड़ा ही फेमस है ये कॉस थीटा बराबर 2/3, यानी ये बहुत फेमस है कि कितने एंगल यहाँ से छोड़े, कितने एंगल पर घूमने के बाद ये सरफेस को छोड़ देगा। तो ये बहुत लोग जानते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते ना लोगों को आदत हो जाती है कि याद रहता है सर कॉस थीटा बराबर 2/3। और अगर हाइट वाइट पूछ ले कि चलो भाई वो हाइट बताओ, ये हाइट बताओ, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनियस, बेस निकालना है तो बेस तो कॉस में आएगा, एच बराबर बड़ा वाला साइड हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा 2/3 रखेंगे तो 2r/3। ये भी बहुत लोग को याद रहता है कि सर हाइट कितनी होगी, तो 2r/3 होगी। सरफेस छोड़ रहा है ना वहां पे, कृपया लिखें। धैर्य बनाकर रखें। क्या था ये, हमें अच्छा ये आतंकवादी है, बॉर्डर के बाहर फेंक दूंगा तुझे उठाकर, याद रखियो। हाँ हाँ तू बॉर्डर के बाहर जाएगा भी, याद रख, ऑपरेशन क्लीन शुरू हो जाएगा। आराम से बेटा, आज आपको आराम से सुनना होगा। एक दो पॉइंट है और फिर खत्म। अभी मैं वर्क पर एनर्जी स्टार्ट कर दूं या सवाल करा दूं? क्वेश्चन करा करके फिर वर्क पावर एनर्जी, थोड़ा सा क्वेश्चन करा दूंगा, है ना? ठीक है, हो गया क्या? इसे याद रखोगे? बहुत अच्छे, अरे बैल बात करना बंद कर दो यार, इतनी शिकायतें मिल चुकी हैं, शांत रह लो भाई। अभी फॉर्म नहीं आया ना नीट वेट का, पिछले साल मतलब इस टाइम तक 31 दिसंबर तक शायद आखिरी तारीख भी थी। हाँ, और अभी तक कोई, अभी तो खबर भी नहीं है, अभी तो खबर भी नहीं आई है कि भाई एनटीए कब हो, मतलब नीट कब होगा, अब देखते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है भाई, वो जल्दी जल्दी फॉर्म भरवा के एग्जाम भी करवा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मिटा दे बेटा। ए बातें नहीं भाई, शांत रहो, शांति कायम होनी चाहिए। मिटाए, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, इधर इधर, अरे भाई ध्यान दीजिए, देखिए। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसे बोलूं कि ये एक तार है ऐसे, ये देखिए 1/4 है सर्कल का, 1/4 है, एक तार है और ग्रैब वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है बेटा? ये क्या है, एक
वायर है, वर्टिकल प्लेन में है। कैसे है? वर्टिकल प्लेन में। अब मैं आपसे एक थ्योरेटिकल सवाल पूछता हूँ, जवाब देना आप लोग, ठीक है? अच्छा, एक रिंग है, ये रिंग ऐसे करके एक छल्ला है, फंसा दिया उसमें। अब ये छल्ला मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो ये नीचे की ओर गिर रहा है, ऐसे करके यहाँ के ज़मीन पर गिरेगा। तो जब ये पूरा मोशन, अच्छा वायर बिल्कुल कहीं कोई फ्रिक्शन ही स्मूथ लेना है। अब यहाँ से जब ये नीचे ऐसे करके यहाँ तक आएगा तो बताइए वायर द्वारा रिंग पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स एग्जर्टेड बाई वायर ऑन द बीड, इस बीड पर जो है फोर्स जो लगेगा वायर के द्वारा। अब थ्योरेटिकल जवाब है, थ्योरेटिकल ऑप्शंस है, सुनिए। पहला ऑप्शन कि जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, कुछ दूर तक आउटवर्ड लगेगा, कुछ दूर तक इनवर्ड लगेगा, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन, पहले इनवर्ड लगेगा फिर आउटवर्ड लगेगा। तीसरा ऑप्शन, आउटवर्ड ही लगता रहेगा। एंड लास्ट ऑप्शन, इनवर्ड ही लगता रहेगा। रुकिए, बहुत बढ़िया, तुम इसी पे कायम रहना है, हिलना नहीं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट आउटवर्ड देन इनवर्ड, ऐसे करके ऑप्शन है बेटा। फर्स्ट इनवर्ड देन आउटवर्ड, सी ऑप्शन है इनवर्ड, और लास्ट ऑप्शन है आउटवर्ड। शांत ए, प्लीज, हाँ बोलिए। बी, तुमने ए बोला है। देखिए ए और बी दो ऑप्शन के तरफ जा रहे हैं लोग, सी और डी को तो ध्यान नहीं दे रहे हैं जो सही ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, कितने लोग का, एक मिनट, कितने लोग का जवाब ए है, रेज योर हैंड। बड़े बड़े धुरंधर एक में है, बड़े बड़े धुरंधर ए में ही है। और बी कितने लोग का है, सी बी। अच्छा, बी में भी धुरंधरों की कमी नहीं है। अब बाकी तो कुछ बोल ही नहीं है, हम बोलने लायक ही नहीं है। हम तो कल 12 बजे तक रजाई तान के सो रहे थे, अब हमें क्या करना है। चलिए, इसका जवाब जो है अरुण कुमार हम लोग को बताएगा। अरुण आप ए बता रहे हैं ना, अच्छा रुक जाइए, पहले ये भैया बताएंगे, ये इन्होंने ए बोला है। कैसे ए आया, ये तो हुआ कि जबरदस्ती ए ही होगा। शांत, पहले ये छल्ला नीचे गिरेगा, हाँ नीचे गिर रहा है, नॉर्मल बाहर की साइड लगेगा। शांत, हाँ नॉर्मल बाहर लगेगा। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों बाहर की साइड क्यों होगा, पहले सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा। देखो यहाँ से आने का सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा। अच्छा, तुम अरुण एक्सप्लेन करो जरा। ये तुम नहीं बोल रहा था, बाकी तुम सही बोल रहा था। हाँ, ठीक, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ठीक दे रहा था, बस वो टेक्निकल पॉइंट जिस पर कि थोड़ा सा बात और क्लियर हो गया कि देखिए कॉस इनवर्स 2/√2/3 तक ये जो एंगल है पढ़ाया ना बेटा वर्टिकल से। सुनिए, क्या यहाँ के बाद सरफेस छोड़ता थे, नहीं बाहर जाएगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा। तो शुरुआत में जब ये नीचे गिरे हुए तो रिंग आपको ऐसे सिनारियों में दिखेगा, रिंग ऐसे दिखेगा, यानी ये जो है ऐसे है, ये ऐसे है, तो रिंग ऐसे करके इसको ऐसे करके प्रेस करेगा तो वायर इस पर नॉर्मल एक्शन ऊपर लगाएगा। तो ये ठीक बोला है, नॉर्मल एक्शन ऊपर लगेगा आउटवर्ड। उसके बाद कॉस थीटा बराबर 2/3 तक, 2/3 से
तक आते आते नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसा लगेगा हवा में या केवल टच करता दिखाई देगा। अब उसके बाद यहाँ के बाद ऐसे चिपक के नहीं जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा, ये छोड़ना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, तो फिर ये लगेगा। तो वायर इसको, ये वायर को ऐसे प्रेस करेगा तो वायर इस पर नॉर्मल एक्शन ऐसे लगाएगा। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट आउटवर्ड देन इनवर्ड, नहीं आया इसको, इसको ऐसे समझो, मुझे मालूम था सर्जन। अच्छा समझो इसे, ये एक छोटी सी गोली है और ये एक ट्यूब में फंसी हुई है। अब ये नीचे जब गिरेगी ना तो पहले इनर वाले वॉल के कांटेक्ट में रहेगी, आते 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 कॉस इनवर्स 2/3 तक नॉर्मल ये वाला रहेगा, ये दीवार को ऐसे करके इनर वाले वॉल को दबाएगी तो नॉर्मल बाहर लगता रहेगा बाहर। यहाँ के बाद ये हवा में आएगी, हवा में आएगी तो अब आउटर वॉल को दबाएगी, आउटर वॉल को दबाए तो नॉर्मल अंदर लगेगा, वही तो है ये। बोलो नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया, आया समझ में? वेरी गुड। लिखना चाहते हैं या मैं मिटा दूं? ना अभी नहीं बता रहा, रॉड है ना, रॉड है ना, यूनिफॉर्म रॉड है ना, अच्छा यही वाला है। ओ अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोला है वो छल्ला रिंग पर जो वायर पे फोर्स लगाएगा वो है, एग्जर्टेड द फोर्स ऑन वायर, देखो लिखा होगा ऐसा, हाँ फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर, हाँ। तो देखो, अच्छा सुनो, अब इसमें एक क्वेश्चन और मिला जिसका देखो लैंग्वेज कैसे पलट दिया, जरा बोलना आखिरी लाइन, जो फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वायर, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वायर। अच्छा बेटा वायर पे फोर्स जो लगेगा वो क्या देंगे ऑप्शन में? तो हम बोलेंगे सोचो, छल्ला ऐसे प्रेस करा, तो छल्ला ऐसे प्रेस करा ना कि वेट किया, ऐसे तो एक दो दबा हुआ फिर ऐसे आ रहा है, तो प्रेस करा तो नॉर्मल एक्शन क्या होगा, पहले अंदर और उसके बाद बाहर, उसमें उल्टा होगा एक्शन का रिएक्शन। अरे नहीं आया, दूसरे वाले डायग्राम का, ये वाले डायग्राम का नहीं बेटा, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्स एग्जर्टेड बाई वायर ऑन द बीड, फोर्स किस पे लग रहा है, बीड पर, तो बीड पे नॉर्मल एक्शन ऊपर, ये इनर वॉल के कांटेक्ट में है तो इनर वॉल को दबाएगा तो इनर वॉल नॉर्मल एक्शन ऊपर लगाएगा, तो ठीक है फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन बोलता है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वायर, हाँ वायर पे फोर्स, तो वायर को यहाँ नीचे की तरफ अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है या दीवार को अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है, तो अगर ये बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यही देख के बोल रही थी। बोलो क्लियर हुआ? नहीं आया, बड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं कंबखत फिजिक्स, कंबखत फिजिक्स बड़ा कंफ्यूजिंग है कंबखत। मिटा दे बेटा। अच्छा मुंडी को कहाँ रखते हैं, है बैल बुद्धि, मुंडी हमेशा ऊपर सामने की तरफ, मुंडी हमेशा ऊपर, देखो। अच्छा एक बात सुनो, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना, अच्छा बेटा ये वायर को मैंने ऐसे, सॉरी थ्रेड लिया, अरे यार प्लीज प्लीज, ये मैंने थ्रेड लिया, अच्छी बात है सर आप थ्रेड लिए, एल लेंथ का थ्रेड है, शानदार है, मज़ा आ गया, कितना मिनिमम स्पीड दे ताकि पूरा सर्कल कंप्लीट करे, आप बोलेंगे रूट फाइव जी एल, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, कहीं भी आए तब रूट फाइव जी एल मिनिमम स्पीड होगी, आप बोलेंगे। अब आपके साथ चलाकी करेगा ये, बोलेगा थ्रेड के बजाय रॉड है, बोलेगा भैया रॉड है, रिजिड रॉड है, हल्का है, लाइट रॉड है, लाइट रॉड समझते हो जिससे लाइट निकलती है, लाइट रॉड का मतलब क्या हुआ, अच्छा हल्का रॉड है, है ना, बहुत लोग खतरनाक प्राणी है। अब देखिए एक बॉडी यहाँ बांध दी है, अब बोलेगा बताओ भैया कितना मिनिमम स्पीड दे, एल लेंथ का है ताकि पूरा सर्कल घूम सके, तो हमारी आदत होती है रूट फाइव जी एल बोलने की, है ना, यहाँ बेटा रूट फाइव जी एल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा सुनो ध्यान से, यहाँ तो होता है कि रूट फाइव जी एल देते ऊपर जाता है, टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है, जीरो,
यहाँ टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो ही नहीं होगा, यहाँ टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो। बेसिकली क्या होता बेटा, मेरी बात सुनना, रुक जाओ, पहले इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ और बताते हैं, इसको पढ़ाने से एक चीज़ पहले और बताते हैं, तब शायद आप लोग की बुद्धि और अच्छे से खुल जाएगी, बुद्धि और अच्छे से खुल जाएगी। अच्छा देना जरा वो आप लोग जो वो टाई बैच लगा के चलते हो ये वाला, हाँ दे हाँ। अच्छा बेटा देखना जरा ध्यान से, ये देख रहे हैं आप लोग, बड़ा शानदार है, मज़ा आ गया भाई, ठीक है, ये ऐसे। अच्छा बेटा ये धागा है और ये एक बॉडी है, अभी मैं ना ऐसे मार रहा हूँ, आपने देखा मैंने जो स्पीड दिया वो इतना, मतलब इतना नहीं था कि वो यहाँ तक ला सके, पहले ही रुक गया, तो इसका मतलब मैंने रूट टू जी एल से कम स्पीड दिया, रूट टू जी एल से कम देंगे तो यहाँ पर रुकेगा, और रुकेगा तो धागा ढीला नहीं पड़ रहा है, वापस ऐसे ही आ रहा है, देखिए धागा कहीं ढीला नहीं पड़ा एकदम बिल्कुल। अब मैं ओहो दिखाई दिया आपको कि जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से क्रॉस किया और सर्कल कैसे छोड़ा, ऐसे करके ऐसे गिरा, देखो देखो फिर से दिखाते हैं, दिखाई दिया, हाँ अब इसका मतलब समझना, एक मिनट इसका मतलब समझो, एक मिनट, अगर आप स्पीड लेस देन रूट टू जी एल दोगे, ध्यान देना रूट टू जी एल, तो ये बॉडी यहाँ से जाएगा यहाँ तक जाएगा और धागा का टेंशन जीरो नहीं होगा, स्पीड जीरो हो जाएगा और उसके बाद वापस लौट आएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या बेटा, अगर मान लीजिए आपने जो स्पीड इसमें दिया वो रूट टू जी एल से तो बढ़ा दिया, रूट टू जी एल से बढ़ा दिया, लेकिन रूट फाइव जी एल से कम दिया, रूट फाइव जी एल से क्या दिया, कम, तो यहाँ के बाद ये ऐसे करके जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल पहुँचेगा भाई, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल पहुँचेगा क्योंकि स्पीड रूट टू जी एल से बड़ी है, तो यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ पर कुछ स्पीड होगी फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर बेटा चूंकि देखिए यहाँ पर स्पीड इनसफिशियंट था तो यहाँ तक गया और लौटे आया, धागे का कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा। लेकिन एक बार जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पार हो जाता है, क्रॉस हो जाता है और स्पीड इनसफिशियंट है, लेकिन इसको पार कर गया, इस पोजीशन को पार कर गया है, लेकिन पूरा घूम नहीं पाएगा क्योंकि स्पीड हमने कम दिया, रूट फाइव जेल से कम दिया, तो यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद बेटा वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, धागे का टेंशन ही जीरो हो जाएगा, टेंशन ही जीरो हो जाएगा और ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके गिरेगा, ये पाथ होगी, यहाँ पर पैराबोलिक पाथ होगी, ऐसे करके ऐसे गिरेगा। यहाँ पर बेटा अब यहाँ पर देर इज सम स्पीड, यहाँ पर देर इज सम स्पीड और यहाँ पे जो है ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी और ऐसे करके ऐसे गिरेगा। इधर कहीं पर स्पीड अगर इनसफिशियंट इधर कहीं होगा तो ढीली नहीं पड़ेगी, उसी रास्ते से उसी पाथ से लौट जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर स्पीड इनसफिशियंट तो पहले ही दे रखा है, इसको पार करा तो उसके बाद सर्कल कैसे छोड़ेगी, तो रस्सी की टेंशन जीरो हो जाएगी और रस्सी के टेंशन को जीरो को बोलते हैं कि स्लैक कर जाना, बोलेगा स्ट्रिंग स्लैक हो गया, स्लैक का मतलब होता है टेंशन जीरो हो गया, ढीला पड़ गया, अब ऊपर जा नहीं पाएगा, सर्कल में जा नहीं पाएगा, सर्कल छोड़ के नीचे पैराबोलिक पाथवे गिरेगा, पैराबोलिक पाथवे ग्रेविटी की वजह से ऐसे करके गिरेगा। ऐसा लगता है किसी हाइट से बॉडी को ऐसे फेंका है मैंने, है ना, हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे किसी बॉडी को ऐसे फेंका है ऐसे करके गिरेगा, इधर फेंका है तो ऐसे करके ऐसे पैराबोलिक पाथ में गिरेगा, कुछ वैसा ही पैराबोलिक पाथ में गिरेगा, ठीक है बेटा। तो अगर मुझसे यहाँ पर पूछ देगा कि यार चलो ठीक है हमने स्पीड रूट फाइव जेल से कम दिया लेकिन रूट टू जेल से ज़्यादा दिया, अब चलो भाई बोलेगा कहाँ पर रस्सी स्लैक करेगा, यानी कहाँ पर सर्कल को छोड़ेगा, स्लैक करने का मतलब क्या होता है, स्लैक ऑफ थ्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, टेंशन इज जीरो, यानी स्लैक ऑफ थ्रेड का मतलब टेंशन बिकम जीरो, टेंशन बिकम्स जीरो, जहाँ टेंशन जीरो हो गया ढीली पड़ गई फिर ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए रस्सी का टेंशन जीरो हो गया तो बोलेगा कि बताइए एंगल, बताइए जैसे पूरा एंगल कितना घूमने के बाद ये स्लैक होगा, तो बोलेंगे सर देखो एक काम करते हैं 90 डिग्री तो ये घुमा ही घुमा, अब ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वर्टिकल इनिशियल से टोटल कितना एंगल घूमेगा जहाँ पे स्लैक करेगा, तो ठीक है सर 90 में थीटा जोड़ लेंगे। अब एक काम करते बेटा, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर स्पीड वी है, दो कंसेप्ट पर सवाल बनता है, मैंने बोल रखा है दो कंसेप्ट पर सवाल बनता है। देखिए पहले तो हम एम जी दिखा देते हैं नीचे
और टेंशन बेचारा जीरो हो ही चुका है, ठीक है। अब एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर और एक कॉम्पोनेंट टेंजेंट डायरेक्शन, बोला है ना, रेडियस और रेडियस के परपेंडिकुलर। अच्छा देखिए, 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होएगा, तो ये क्या थीटा होगा, जल्दी बताओ। तो एम जी का कॉम्पोनेंट इधर कितना आएगा, जल्दी बताओ। एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, टेंशन यहाँ पर जीरो हो चुका है, ठीक। तो हम बोलेंगे सर पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम जी साइन थीटा है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी स्क्वायर बाई एल। चलो भाई, कैपिटल वी माना या स्मॉल वी माना, कन्फ्यूज मत होना बेटा, कैपिटल वी है, ठीक है भाई। एम से एम कैंसिल आउट, मुझे अगर वी स्क्वायर की जरूरत होगी तो मैं जी एल साइन थीटा लगा दूंगा, पहला इक्वेशन। अब देखिए, यहां से एनर्जी कंजर्व करते हैं, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी, स्पीड है वी बेटा, ठीक है, स्पीड वी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इक्वल टू, यहां पर पहुंचा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ये है, लिख देता हूं जी एल साइन थीटा प्लस, और अब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच कितना लेंगे जल्दी बताओ, एच कितना लेंगे, यहां से हाइट देख रहे हैं, दिमाग लगाओ, थोड़ा पढ़े लिखे हो यार, इतने देर से पढ़ रहे हो, पहले तो ये हाइट एल होगी और ये कितनी होगी जल्दी बताओ, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये एल है, परपेंडिकुलर वाला साइन में कि कॉस में, बोलो बोलो, अरे बैल तो पूरा तो बोलो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना होगा, एल साइन थीटा, अरे एल साइन थीटा, तो एल प्लस एल साइन थीटा, लाहौल वाला कुव्वत, लाहौल वाला कुव्वत, बोलो ठीक। अब देखो हम एक काम करते हैं, वी आर स्मार्ट पीपल, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, टू 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 निपट गया, एम 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 निपट गया। देखो बेटा वी स्क्वायर बराबर कितना जल्दी बताओ, जी एल साइन थीटा, टू जी एल प्लस टू जी एल साइन थीटा, देखो तो मैं लिख सकता हूँ थ्री जी एल साइन थीटा प्लस टू जी एल। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, क्या मुझे वी दे देगा कि सर रूट 2.5 जी एल है, बताओ वो एंगल जहाँ पर ये रस्सी स्लैक होगा, तो मैं बोलूँगा वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू अंडर रूट 2.5 जी एल है, तो क्या ये रूट हट जाएगा स्क्वायर का, 2.5 जी एल, जी एल जी एल जी एल उड़ जाएगा, थीटा निकल जाएगा और थीटा में 90 जोड़ देंगे, तो टोटल एंगल नीचे से कितना एंगल पर जा करके रस्सी स्लैक होगी या सर्कल छोड़ेगा, बोलो आया। तो यहाँ पर लिख देते ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल कॉमन ले लो, 3 साइन थीटा प्लस 2, ये फॉर्मूला है बेटा, अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना दोबारा रिवाइज करना घर पे जाकर, ठीक है। याद रखना जो पढ़ाते हैं घर पे रिवीजन दोबारा किया कीजिए, तभी परफेक्ट होंगे। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, मोह माया है सब। कानपुर का कॉलेज नेहल ने छो, अच्छा मॉपअप राउंड में मिल गया कानपुर, हाँ तो कानपुर तो ठीक है भाई, चलो बढ़िया है, वरना हम तो सोच रहे थे कहीं शाहजहाँपुर में ना मिले उसे, होता चलो मतलब कानपुर मिल गया, कानपुर तो अच्छी सिटी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। शांति शांति। तो अल्टीमेटली मॉपअप राउंड में उसे मिल गया है ना, चलो अच्छा हुआ, सुरभि को कोई नहीं मिला, सुरभि कौन है, सुभिका, अच्छा तुम्हारे बैच की, अच्छा शांति बच्चों।
नेक्स्ट ईयर हम भी सुनना चाहते हैं आप लोग के सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। हो गया, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा मेहनत कर रही थी नेहल, आई थी वो पिछले हफ्ते, मतलब 8-10 दिन पहले, एकदम इतना सारा लेके गट्ठर, इतना गट्ठर लेके आई थी। और उसके बाद एक घंटा पूछ के हमसे गई, एक गट्ठर पूरा पूरा लेके आई थी, भयंकर भर के, और एकदम बिल्कुल ये 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 बताओ, ये बताओ, नहीं गजब पड़ रही है। लेकिन चलो मिल गया, अच्छा हुआ। अब आप लोग भी अगले साल है ना सीवी, तू भी यह आतंकवादी बोला हुआ, यह आतंकवादी है, इसको मैं बॉर्डर के बाहर फेंकवा दूंगा। अब बेटा तेरा हो गया आज आखिरी, आज तू इस देश में बस आखिरी बार दिख रहा है, उसके बाद तो बॉर्डर पार दिखेगा बस। मिटा दें, देखिए देखिए बेटा सुनिएगा प्लीज, इधर है, अरे अच्छा अच्छा आराम से, क्लास कॉम्पिटिटिव क्लास है, तेरा ट्वेल्थ नहीं है, ध्यान दो इधर, ध्यान से बेटा प्लीज यहां पर बेटा। अच्छा चलिए, अगर ये प्रश्न आप कुछ प्रश्न करवाते हैं आपसे तो देखते हैं कि कितना बना पाते हैं। या एक और पॉइंट करा दे रॉड वाला, हाँ रॉड वाला पॉइंट करा देते हैं, वरना जान दे देंगे कुछ लोग। देखिए अगर कभी भी बेटा रॉड वाला क्वेश्चन आए जिसमें कि रॉड यहाँ पर ये है लाइट रॉड है बेटा, देर इज नो मास, और एल लेंथ का रॉड है, आपसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कितने स्पीड दें जिससे कि ये ठीक वर्टिकल सर्कल, तो हम बोलेंगे सर देखो इतनी स्पीड दो ताकि ये वर्टिकल पोजिशन तक पहुँच जाए, और पहुँच करके यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाए। तो हम बोले अरे स्पीड जीरो हो जाएगा तो नीचे नहीं टपक पड़ेगा, तो हम बोले नहीं सर नहीं टपकेगा, क्यों, रॉड तो रिजिड होता है, थ्रेड में ना पंगा था कि थ्रेड जो है स्लैक हो जाता था, यहाँ तो अगर ये चलते 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 वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्कल छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि रॉड क्या है रिजिड। अब यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, ऐसे भी तक मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, ए पर मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखें, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्या बात है बोलिए, हाईएस्ट पॉइंट पर करंट एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी 2L, पक्की बात, L और L 12, क्या बात है यार समझदार लोग हो तुम लोग, M से M कैंसिल, तो क्या V बराबर अंडर रूट 4GL, तो रॉड अगर बोलेगा तो अंडर रूट 4GL, थ्रेड बोलेगा तो मिनिमम वेलोसिटी रूट 5GL, रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी रूट 4GL, लिख लो। नेग्लिजिबल वेलोसिटी है, लिमिट है वो, हाँ रूट 4GL इज द लिमिट, हल्की सी ऊपर रखना बस। सब व्यर्थ है छोड़ दो, सब व्यर्थ है छोड़ दो, डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो, जो पहले क्लास में पढ़ाया गया है आधे घंटे लगेंगे, पूरा अच्छे से एक बार देख करके एकदम बिल्कुल, फिर नए क्वेश्चन बनाते जाइए, दो ही काम तो करना है, डेली रिवाइज करना है और नए क्वेश्चन बनाते चलना, मॉड्यूल बनाते चलिए। सर्कुलर मोशन कंप्लीटेड, आओ एक आध दो सवाल करते हैं, फिर वर्क पावर एनर्जी का, वर्क पावर एनर्जी 3 दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा कोऑपरेट कर दे तो,
हर पावर एनर्जी हम 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा कॉपरेट कर दो तो है। देखिए हटा दे इसको। हाँ लास्ट में वो करा दिया मैंने, यूसीए में करा दिया, नॉन यूसीए में तुम्हें याद है वो मैंने एक बार कराया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एक्यूट एंगल है तो स्पीड बढ़ेगा। फिर एक फैक्ट कराया कि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं वहाँ पर करा देता ना तो वाकई तुम लोग पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती, फिर तुम लोग जान देने लगते, कई लोगों के मुँह से चीख निकल पड़ती, इसलिए मैंने बचाया। मैंने कहा नहीं भाई बचा लिया, मैंने कहा सही वक्त पे ये काम होगा। अच्छा बेटा चलिए सब लोग सवाल बनाइए, देखते हैं बना पाते हैं नहीं। अच्छा एक पेंडुलम है, क्या है बेटा पेंडुलम? मुंडी ऊपर। ये पेंडुलम को मैंने इतनी स्पीड दिया कि इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड फाई है, क्या है भाई फाई, समझो ना एंगुलर एम्पलीट्यूड फाई है। तो जब ये थीटा एंगल पर पहुंचेगा, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, तो हमें टेंशन सॉल्व करनी है, फाइंड द टेंशन। रस्सी की लेंथ एल है और बॉडी का मास एम है। 1 से 2 मिनट का समय दे रहे हैं, यूज योर अनयूज्ड माइंड, इस्तेमाल करो जो कभी नहीं इस्तेमाल किया। और बनाओ इसे, बेटा बातें नहीं सब व्यर्थ है, छोड़ दो बस आराम से तसल्ली से बनाओ। 1 से 2 मिनट का समय दिया है, हाँ टेंशन फाइंड करनी है। बनाओ अजय, बना लिया अरुण? बोलो अरुण। एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस 2 cos φ, अच्छा -2 cos φ, एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा -2 cos φ। चलिए देखते हैं बेटा, देखो एक काम करो ना, मुंडी ऊपर करो, मुंडी ऊपर करो। टेंशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए देखो यहाँ पर की वेलोसिटी तो पता नहीं है, अरे यहाँ अगर वेलोसिटी पता है, पता नहीं कितनी वेलोसिटी दिया था कि फाई एंगल दिख गया, यहाँ पर तो रुकेगा ना। ओह यहाँ पर पता है तो यहाँ निकाल सकते हैं, यस यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्व करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इसको ए मान लेते हैं, जहाँ पर पता है वहाँ से वहाँ तक का देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, समझो बेटा प्यार से समझो बेटा। चलिए ए पर मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी चलो यहाँ से लेते हैं हाइट है ना। अच्छा बेटा आप लोग पढ़े लिखे हो, जरा देखना ध्यान से, ये ऐसे ट्रायंगल बना दिया। अच्छा इस ट्रायंगल को देखो, पहले देखो, लिखो मत लिखो मत, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एंगल फाई है, थीटा का रोल तो इस ट्रायंगल में है नहीं, ये ट्रायंगल में देखो फाई, फाई के सामने क्या है ये बेस, फाई के सामने क्या होता है बेस, पता नहीं क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटा है?
हाँ, फाई के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? अब बड़ी वाली साइड एल है, लेंथ ऑफ द थ्रेड इज एल। बोलो ये कितना होगा, बेस कितना होगा? ये वाला होगा एल कॉस फाई। अरे ये ट्रायंगल है, ये फाई है, ये एल है, मैंने पूछा ये कितना होगा? अच्छा एल कॉस फाई, तो मुझे तो हाइट निकालनी नहीं यहाँ पर। हाँ एल में से एल कॉस फाई घटाएंगे तो ये हाइट निकल जाएगी। अरे यार एल में से एल, कुछ आंखों की गोटियाँ घूमने लगी होंगी भगवान। एल माइनस एल कॉस फाई, पता नहीं कब कौन सा भाई, कभी फाई बोलते कभी थीटा बोलते कभी साइन बोलते, बड़ा कंफ्यूजिंग है। कमबख्त ये कितना है एल, ये कितना? तो हाइट निकालनी है, बोलो कितना लिखे? एल में से एल कॉस फाई। दिखाई कुछ नहीं दे रहा भाई, लिखना है बस एम जी एल माइनस एल कॉस फाई। चलिए बी पर मैकेनिकल एनर्जी, स्पीड वी है तो हाफ एम वी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी, फिर आ गया हाइट। कम वक्त हाइट का क्या करें, अब की बार ये ट्रायंगल बनाएंगे ना। अरे यार क्या है, रायता फैला दिया। एल ये है, यहाँ से यहाँ तक बोलो कितना होगा? और फिर एल में से एल कॉस थीटा कटाओगे तो ये छोटी सी छुटकी सी हाइट निकल के आ जाएगी, नहीं आएगी? बोलो कितना होगा? एल माइनस एल कॉस थीटा। बहुत लोग का भरोसा उठ गया है, सर्कुलर मोशन शुरू में बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वही है काइनेमेटिक्स जैसा, आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो भी गोल गोल घूम जाते हैं। वी स्क्वायर बाई टू, देखो मैंने पता नहीं क्या कर दिया, देख रहे हो मैंने ब्रैकेट को खोल खाल दिया, दिखाई दे रहा है? जी 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 एल, जी एल कट जाएगा, देखो तो भाई प्लस जी एल कट जाएगा। देखो वी स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, इसको उठा के इधर लाएंगे, जी एल कॉमन कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, है ना, और टू ऊपर आ गया, बोलो चलेगा? अरे वाह ये आ गया हमारे पास वी। तो टेंशन, टेंशन फोर्सेस देखें, एम जी नीचे लगेगा इतने में तो बाकी नहीं बोला, सर आपका हो जाए तो बताना, हम केवल नोट कर लेंगे बस, क्या करेंगे। एम जी का एक कंपोनेंट रेडियस के परपेंडिकुलर और एक पर अलोंग द रेडियस तोड़ते हैं, थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? बोलो एम जी कॉस थीटा होगा, बोलो टी माइनस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, या डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई एल कर लूँ, क्या टी बराबर दोनों का सम होगा? तो टी बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, लाहौल वाला। अच्छा बेटा एल डिवाइड में कर लो, देखो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट पीपल हम लोग हैं ना, एल डिवाइड में कर लेंगे एम वी स्क्वायर बाई एल, तो क्या वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू टू जी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। अरे कभी तो बोलना चढ़ पड़ता है, समझ में आ रहा है? आओ आओ पहले कॉमन ले लो, एम जी कॉमन ले लो, और जुड़ रहा है तो जोड़ दो। देखो टू कॉस थीटा, देखो यार पढ़े लिखे हो यार, कभी तो बचपन में ब्रैकेट तोड़ना से, टू कॉस थीटा में कॉस थीटा जोड़ेंगे कितना होगा? थ्री कॉस थीटा माइनस टू कॉस फाई, हो गया भाई हो गया, लो जी हो गया। टेंशन इस तरह का शायद बुकलेट में है, मॉड्यूल बना रहे हो? फ्रिक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ, वीडियो अपलोड हो गया है, आप देख लो वीडियो, पूरा मॉड्यूल का वीडियो अपलोड हो गया, उसमें लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है, अब सर्कुलर मोशन का वहाँ वीडियो अपलोड होना शुरू हो रहा है। आगे बढ़ता जाता है यार, सही बात है यार, बढ़ता जाता है, इसके ऐप पे आ रहा है, बढ़ जाएगा तब हो गया टाइम क्या।
ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो एक और काम करते हैं बच्चों, कल सवाल बना के लाना, एक दिन डाउट रखते हैं बस। मैं अपनी तरफ से कल सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत डाउट करा देता हूँ, कुछ आप लोग डाउट पूछ लेना, बचेगा समय तो कल ही वर्क पावर एनर्जी शुरू करते हैं, ठीक है। इतना जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो आपके फ़ायदे का हो, वो काम कतई नहीं करूँ मैं जिससे आपका मुंह जल जाए, जबड़ा टूट जाए, ठीक है। इसलिए वो काम भी, इतना काम भी नहीं करूँगा। क्या सभी लोग जा करके क्वेश्चन बनाएंगे आज? सभी लोग देखिए, फ्रिक्शन का मॉड्यूल का जो है वो ऐप पे आ चुका है, आप उसमें अपना क्वेरी डील कर लेना। थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन आज जाके पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत सवाल बना के देखना, कल मैं अपनी तरफ से और सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन करा दूंगा जितना हो सकेगा, ठीक है, जिससे आपको एक समझ में आ गया सवाल बनता कैसे। ओके बेटा, थैंक यू।